हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। और अभी भी मैंने हाथ मुंह धो लिया है, इसलिए आपको थोड़ा ग्लू दिख रहा होगा मेरे मुंह पे। अभी 11 बज रहे हैं और मैंने इस सारा कुछ क्लीन कर लिया है। ये देख लो, इधर ना आपको दिख रहा होगा, इधर कुछ लगा हुआ था, ये सारा मैंने क्लीन कर लिया है अभी। इसी तरीके से मेरी किचन की क्लीनिंग ख़त्म हो गई है, पर मैंने आपको नहीं दिखाया क्योंकि ना सुबह सुबह मेरा मोबाइल मैंने रख दिया था एक कोने पे वीडियो अपलोड करने के लिए। वीडियो में डालने वाली थी 8 बजे, पर नेट नहीं था, इस वजह से एक कोने पे रखे उसको अपलोडिंग पे डाला हुआ था, मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। अभी क्लीनिंग वगैरह हो चुकी है, ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है और अब करते हैं काम। आज से तो हम लोग घर पे रहेंगे, देखते हैं कितने दिनों तक घर पे रहेंगे, क्योंकि मारिया का अभी तक काम स्टार्ट नहीं हुआ है। वो उसका स्कूल का ही काम कर रहा है, उसके वीडियोस भी उसको रिकॉर्ड करने हैं। और शाम को मैं जा रही हूँ घर पे, मतलब मम्मी के घर पे, अभी थोड़ा काम कर लेती हूँ और खाना वगैरह बना लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ और फिर साथ में हम लोग चलेंगे मम्मी के घर पे। 4 hours later. So guys, अभी बज रहे हैं 3 और मैं जा रही हूँ घर पे। मैं बाइक लेके जा रही हूँ, मैंने माधव को बोला था मुझे ड्रॉप करके आओ घर के, वो नहीं जा रहा मुझे ड्रॉप करने के लिए। सो मैं बाइक लेके जा रही हूँ, आपको वहाँ पे जाके मिलते हैं। गाइस, मैं ना आई थी किसी और कारण और आने के बाद ना मैं थोड़ी बैठ गई, फिर हमने सोचा कि कुछ बनाएंगे, इसी वजह से ना अभी मैं खीरा काट रही हूँ। और आधा मैंने खीरा काट लिया है, उसको इस तरह के छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है, उसकी जो बाहर की खाल जो है ना वो भी निकाल ली है और अंदर का जो बीज है वो भी निकाल दी है। हम क्या बना रहे हैं वो आपको मैं लास्ट में बताऊंगी, तो अभी मैं आपको बता रही हूँ कैसे बनाते हैं। तो आपको खीरा लेना है और खीरे को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर देना है, उसका बीज भी निकाल के फेंक देना है। फिर आपको खीरे को लेके ऐसे कद्दूकस वाला मशीन लेना है और उसे कद्दूकस करना है। ये देखो गाइस, मैंने ना पूरा खीरा कद्दूकस करके लिया है और देखो कितना पानी निकला है उसमें से। तो उसके बाद आपको कद्दूकस किया हुआ खीरे में से ना अच्छी तरीके से पानी निचोड़ लेना है, जितना हो सके उतना पानी आपको उसमें से निचोड़ के आपको साइड में रख देना है। पूरे एक खीरे में से मुझे इतना सारा पानी मिला है और इतना सा खीरा मिला है। फिर आपको एक कढ़ाई लेनी है, उसको गैस पे रखना है और गैस ऑन कर देना है। फिर आपको रवा लेना है, ये देखो मैंने आधा किलो रवा लिया था, इतना छोटा वाला रवा, बड़ा वाला नहीं जिस तरह मैंने पिछली बार दिखाया था वो नहीं, छोटा वाला रवा लेना है। उस रवे को आपको कढ़ाई में डालना है, फिर आपको उस रवे को अच्छी तरीके से भूनना है। आपको ना रवा तब तक भून लेना थोड़ा ब्राउन होने तक, अभी तक मेरा नहीं हुआ है, मैं ना स्लो आंच पे रखी हूँ क्योंकि मुझे डर लग रहा है अगर ज़्यादा बन गया तो, इसी वजह से। फिर आपको नारियल लेना है ग्रेटेड और उसको भी उसी कढ़ाई में डाल के स्लो आंच पे उसको भुनने के लिए रखना है। मगर याद रहे वो जो नारियल है ना उसको कढ़ाई में लगने मत देना, अगर लगा तो उसका स्मेल आ जाएगा, फिर जो आप बना रहे हो ना ख़राब हो जाएगा। सो मेरा ये नारियल बनके रेडी हो चुका है, इसमें से जो भी पानी था वो चला गया है और ये अच्छी तरीके से भुन चुका है। अभी इसको आपको ठंडा करने के लिए रखना है थोड़ी देर के लिए। फिर आप एक बड़ा पतीला लिए, उसमें डालिएगा आपका खीरा और फिर उसमें डालिएगा भुना हुआ रवा। मैं एक ही हाथ से कर रही थी
उसे हो ही नहीं रहा था यहाँ पे। साथ में मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ था ना, फिर मेरे रेस्क्यू के लिए आ गई मम्मी। फिर उन्होंने वो अच्छे तरीके से डाल दिया, तब तक मेरा आधा रवाना नीचे गिर चुका था। फिर आपको उसमें डालना है ग्रेटेड कोकोनट, फिर आपको उसमें डालना है चीनी, और आप चीनी ना अपने मीठे के हिसाब से डालिएगा। आप यहाँ पे गुड़ भी डाल सकते हैं, पर गुड़ डाला तो क्या होता है, वो गुड़ ना थोड़ा सा पिघल जाता है, फिर वो अच्छे से नहीं बनता है। शक्कर के बदले आप डालिएगा इसमें मिश्री पीस के। उसके बाद आपको इसमें डालना है जीरा और नमक स्वाद अनुसार, और फिर सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। इसमें पानी थोड़ा सा भी नहीं डलता है, बाय मिस्टेकली भी पानी मत डाल। जब आप खीरे को इनके साथ अच्छी तरीके से मिक्स करोगे ना, खीरे का ही पानी छुटके आएगा और आपका जो मिक्सचर है ना अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा। आपको तब तक मिक्स करना है जब तक इसका ना थोड़ा सा गोला टाइप नहीं बन जाता है। तो अब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। फिर आपको इस मिक्सर से छोटे 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 लड्डू बनाने हैं, इतने बड़े भी नहीं, बहुत छोटे बनाने हैं। मैंने बहुत बड़ा बनाया था वो, मेरा और आप मम्मी का देख सकते हैं कितना छोटा है। मैं बहुत बड़ा बना रही थी, मम्मी कह रही थी मुझे थोड़ा छोटा बनाओ, छोटा बनाया तो ना खाने में भी टेस्ट लगता है और दिखने में भी। एक साइड में आप चूल्हे पे नहीं तो गैस पे कढ़ाई रख दीजिएगा, उसमें तेल डालिएगा और तेल को गर्म करने के लिए रख दीजिएगा। देखो हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे ये वाले लड्डू। तो लो जी, हमारे लड्डू बनके रेडी हो चुके हैं। इस तरह का कलर आने के बाद आपको तेल में से उन लड्डू को निकाल लेना है और फिर एक पतीले में रख देना है। गाइस लास्ट बैच मैंने डाल दिया है तलने के लिए, बाकी सब हो चुके हैं तल के। गाइस एग्जैक्टली टाइम ना 5:30 हो रहा है, मैं आप भी सभी तल के आ चुकी हूँ, तो आपको बताती हूँ टेस्ट करके कैसा बना है। वाह 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 वाह, काश मैं आपको यहाँ से पार्सल कर पाती और आप खा पाते तो आप बता सकते कितना अच्छा बना है। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट, एकदम परफेक्ट। और चार तो मैं खा जाऊंगी अभी इधर ही, फिर पादियों के पास लेके जाऊंगी, उधर भी खाऊंगी एकदम। मैंने आपको बताया नहीं इस डिश का नाम क्या है, इस डिश का नाम है खीरे के लड्डू। ऐसे करके आप खा सकते हैं। और एक बात का याद रखना कि ये जो हमने खीरा यूज़ किया था ना, लोकली ग्रोन होता है गोवा में ही, वही आप यूज़ करना, क्योंकि एक नेचुरली मिठास होती है वो उसको और भी टेस्टी बनाती है। अगर आपको मिला ना गोवा का खीरा तो ज़रूर ट्राई करना। ओके अब चलते हैं माधव के पास और माधव को खिलाते हैं। गाइस कौन खेल पास पाल आई सारखे धुल ना खापा खाईन चल म्हणून सांगता का गरम गरम असताना। कसं आलं गो? बरे असा सार झाला गोड बी चढ एक्स्ट्रा बी पडला कमी पडला सारखी पडला घालं तर रिव्ह्यू देत आपल्याला गरम गरम असताना बरं लागते वयल्यान क्रिस्पी लागतो पण आणि पणा सॉफ्ट सॉफ्ट मम्मी की माझ्या माश गोड लागतं म्हण पण ते सारखे लागले। गाइस आपको कुछ आवाज सुनाई दे रही है? हाँ मुझे भी दे रही है। ये सब लोग ना नरकासुर का प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि नरकासुर जल्दी आने वाला है, तो शायद वो लोग कंपटीशन में लेके जा रहे हैं। आज से वेनसडे तक यही चलेगा,
फिर मैं फ्रेश वगैरह होके आ चुकी हूँ। आई होप आप लोगों को रेसिपी समझ में आई होगी। घर पे अभी तक खीरा है, तो आई होप आप लोग इस दिवाली पे वाली मिठाई भी आप कह सकते हैं वो करके खाएंगे। खीरे का लड्डू आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।